सुप्रभात बच्चों, मैं हूं शांतला जोशी की हिंदी टीचर। आज हम स्वरों के बारे में सीखेंगे। स्वर बोलते हैं आपको पता है? अ आ ई उ री ए आई ओ औ अम अह, इसको हम स्वर बोलते हैं। इसका उच्चारण स्वतंत्रता से होती है, इसलिए हम इसको स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों होती है। आज हम स्वरों के बारे में सीखेंगे। मैं आपको स्वरों का चित्र और शब्दों वर्णों को दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अमरूद। आ से आम, आ से आलू, आ से आग। ई से इमली, ई से इडली, ई से इलायची। ई से ईख, ई से ईख, ई से ईश्वर। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपवन। ऊ से ऊन, ऊ से ऊद बिलाव, ऊ से ऊपर। री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋतु। आज हम अ से रि तक होने वाले वर्णों के बारे में और शब्दों के बारे में सीखेंगे। मैं बोर्ड पर अ से रि तक वर्णों को स्वरों को लिखती हूँ। ओके बच्चों, और एक बार हम अ आ ई ई उ ऊ और री के बारे में दोहराएंगे और कुछ शब्दों को जानते हैं। अ से रि तक। अ से अमरूद, अ से अखरोट, आ से आईना, आ से आम, ई से इमरती, ई से इस्त्री, ई से ईद, ई से ईदगाह, ऊ से उपमा, ऊ से उपहार, ऊ से ऊद बिलाव, ऊ से ऊन, री से ऋषि,
री से ऋतु, और एक बार हम इनको दोहराएंगे, मैं और एक बार पढ़ती हूँ। अ से अमरूद, अ से अखरोट, आ से आईना, आ से आम, ई से इमरती, ई से इस्त्री, ई से ईद, ई से ईदगाह, उसे उपमा, उसे उपहार, उसे ऊद बिलाव, उसे ऊन, रिसे ऋषि, रिसे ऋतु।